इसको मॉडल आपने इस आंसर के साथ डिवाइड करना है। इस आंसर के साथ आपने क्या करना है, डिवाइड डिवाइड करें 2x ओवर y, 2x ओवर y आंसर डालने का करना है 10x ओवर y डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय y ऊपर और 2x नीचे। आंसर y y से कैंसिल, s s से कैंसिल, 2 1 2 5 का 10 हमारे पास आया। अब स्टूडेंट आपने क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4, मैं क्वेश्चन नंबर 4 पर बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन 3 में सिर्फ k का आंसर फाइंड करना है और क्वेश्चन 4 में एंड और इधर दो आंसर फाइंड करने हैं। जो मेथड इसका होना है वही क्वेश्चन 3 का मेथड है। अब ये एक बार समझ लें, बाकी पार्ट आपने खुद करनी है। अब क्वेश्चन को 4 में एंड और का आपने आंसर फाइंड करना। स्टूडेंट पहले नंबर पर लिखा 49, 49 77 का 49, 77 का 49। अब स्टूडेंट एस की फोर का हाफ एस की टू, इधर लिखें एस की टू, इधर भी लिखें एस की टू। इससे स्टूडेंट आपने ये वैल्यू बात लिखनी है। आप इन दोनों एस की टू से मल्टीप्लाई करें, एस की फोर आया स्टूडेंट, इस तरह आ जाएगा स्टूडेंट। आप ये प्लस से फिर क्या हो जाएगा माइनस, ये आप स्टूडेंट आ जाएगा कैंसिल। उसके बाद हमारे पास बच्चों माइनस 70 एस क्यू प्लस 109 एस स्क्वायर प्लस एन एक्स माइनस 1। फिर स्टूडेंट आपको कोई वर्किंग करनी है दोबारा से। पहले नंबर स्टूडेंट इन दोनों आंसर को प्लस कर दें, जब भी आंसर ऐड करो तो दोनों आंसर को प्लस में 7 7 14 14 एस के रहा है, 14 एस के रहा है। अब स्टूडेंट आपने इस माइनस 70 एस क्यूब को उसी तरह माइनस 70 एस क्यूब को आपने स्टूडेंट 14 के साथ डिवाइड करना, 40 एस स्क्वायर के साथ, 40 एस स्क्वायर के साथ आपने डिवाइड करना। और 40 देखते हैं 5 के साथ, 5 4 का 20 2 5 7 41 का 40 45 का 30 एस स्क्वायर, एस स्क्वायर से कैंसिल, ऊपर एस
और 61 और 63 एस के एस के से कैसे क्वेश्चन क्वेश्चन 3 अब इधर लिखिए प्लस 3 और इधर भी आप राइट करिए प्लस 3 अब फिर इस प्लस 3 को आपने 300 से मल्टीप्लाई करना और 6 को 300 से मल्टीप्लाई करें 18 एस के आएगा इस तरह स्टूडेंट माइनस 4 एस को 3 से माइनस प्लस माइनस और 4 3 का 12 एस आएगा इस तरह स्टूडेंट 3 को 3 से प्लस 9 आएगा इस तरह आपने स्टूडेंट आपने मल्टीप्लाई करना अब आपने स्टूडेंट साइन चेंज करना प्लस है तो माइनस माइनस है तो प्लस है तो माइनस या इसमें क्या हो गई है कैंसिल 13x में 12x निकाल दें माइनस एक्स 12 में 9 निकाल दें प्लस 3 अब फिर ये जो हमारा आंसर आया है अब इस आंसर से हमें सारे आंसर लाने हैं देखिए व्हाट शुड बी एडिड टू इट अब देख लेते हैं ध्यान से अब मैं लिखूं माइनस एक्स प्लस 3 व्हाट शुड बी एडिड टू इट अब फिर एक बार याद रखिए ये जो एक्स है ये आपका प्लस में होना चाहिए इसका यही मतलब है What should be added to it? As किसमें होना चाहिए प्लस में तो कौन सा साइन है माइनस का फिर आपने क्या करना है सारी अमाउंट को ना आपने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं देख माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ये स्टूडेंट है उससे आपका जो वेरिएबल है प्लस होना चाहिए What should be added to आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस में प्लस माइनस प्लस माइनस ये एक आंसर है दूसरा नंबर पर देखा What should be subtracted तो आप सब्ट्रैक्टिव लिखते हैं माइनस एक्स प्लस थ्री तो स्टूडेंट एक्स ऑलरेडी माइनस में है ये जो एक्स है ये ऑलरेडी माइनस में इसलिए यही आंसर है लास्ट में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स दोबारा लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इट इज इक्वल टू जीरो कर दें कि माइनस एक्स में इधर आ गया प्लस एक्स हो जाए इस तरह ये स्टूडेंट आपके तीनों आंसर आई इस तरह आपने आज हम इस ये एक्सरसाइज में कंप्लीट